हाय फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं इस ऑटोमोबाइल। आज जो मेरे पास गाड़ी आया है अब महिंद्रा का जीतू है। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, चलो देख रहा है क्रैंकिंग करके इसका आप है आपको दिखा दे रहा है। चेक लाइन बंद नहीं हो रहा है, एक चेक लाइन जल के बंद होना चाहिए। एक सिंगा अंदर अंदर फिर भी जला रहा है, फॉल है, क्रैंकिंग है, क्रैंकिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देखना पड़ेगा कहाँ इसका फॉल्ट है। हाय फ्रेंड, हम लोग अभी गाड़ी को हर चीज़ चेक किया, फ्यूज बॉक्स जहाँ जहाँ चेक करना चाहिए, इंजेक्टर का वोल्टेज का, वायरिंग का तार, क्रैंक सेंसर का वोल्टेज का तार, हर जगह चेक किया, सही चलाना है। अभी हम लोग देख रहा है जो इंजेक्टर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इंजेक्टर को हम लोग सर्विसिंग में भेजेंगे। इंजेक्टर खुल के रखा पहले हम लोग को दिखाने के लिए, इंजेक्टर हम लोग भेजेंगे अभी सर्विसिंग में, उसके बाद पता चलेगा ये किस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। हम लोग को स्टार्ट करके हम लोग दिखाएंगे। इंजेक्टर हम लोग अभी इंजेक्टर खोल लिया हम, अभी इसको हम भेजेंगे सर्विसिंग में, क्या हो रहा है देखते। इंजेक्टर ब्लॉक हो जाता है कभी कभी, इसका वो वायरिंग शॉर्ट सर्किट होकर इंजेक्टर लगता है, मेरा ख्याल से ब्लॉक हुआ है इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, देख रहा है इसको, इसके उसके बाद आपको लोग को दिखाएंगे हम सब करके। हम लोग इंजेक्टर को सर्विस करके लेकर आया, अभी इसको हम लोग अभी बाहर में थोड़ा चेक करेंगे, केयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके स्टार्ट करके आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर पकड़ दो भाई कमरा थोड़ा, इसको हम लोग बाहर में चेक करेंगे। पाइप थोड़ा घुमा दिया हम, यही पर देखेंगे लगाना चाहिए, कपड़ा सतरा या ब्लीडिंग करना चाहिए। ठीक है, दिखा रहे हैं हम। हाय ब्रेन, इंजेक्टर हम आपको दिखाया था जो चेक किया, फिर भी नहीं हुआ। इसके बाद हम जो हाई प्रेशर पंप है इसको बदल दिया था, इसका भी फॉल्ट था। हाँ ठीक है ना, हाँ देख रहा है अभी तो तिलका प्रेशर ज़्यादा था, कम भी रहने से स्टार्ट नहीं होगा, ज़्यादा भी रहने से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है सेलमर भाई, ये गाड़ी स्टार्ट हो गया, बंदर। कभी कभी क्या होता है जो हाई प्रेशर पंप जो है ज़्यादा तेल देने से भी थोड़ा इंजेक्टर फेयरिंग नहीं होता है, कम तेल देने से स्टार्टिंग फेयरिंग, इसका तो मिनिमम तेल देना चाहिए। वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा इसका कितना प्रेशर रहता है हाई प्रेशर पंप का। ठीक है ना, वीडियो जो अच्छा लगे तो कम से कम कमेंट करिए, अगली वीडियो बनाने हमको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप लोग को हमको भी अच्छा लगे वीडियो बनाने का बनाने में। ठीक है ना, वीडियो वाला सब्सक्राइब दबा देना, बेल आइकन दबा के दबा देना। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।